ननद भौजाई दोनों टेंशन में बैठे हैं कि इतना बड़ा बैग अब जाएगा तो कैसे। नहीं जाने का बात, भाभी का टेंशन भरे जाने का, लेकिन हमको इन लोगों को जाने देने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। चुप लगा कितने के की तो चिल्लाइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्य ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, फाइनली इंतजार आप सबका भी खत्म हो गया। बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे इसको लेकर कि रूबी बहुत ज्यादा खुश है, पर दुख की घड़ी आने वाली है क्योंकि पैकिंग वैकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और जो भी था मेरे तरफ से भाभी और मम्मी के लिए और हमारे प्रिंसेस के लिए जो भी गिफ्ट मिला था, हम लोग सारा तो यहाँ भाभी सारा पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं क्योंकि भाभी को बिल्कुल जाने का मन नहीं है। मुझे भन पता है, लेकिन हमें फैमिली दिखना जरूरी है ना, तो इसलिए उनको जाना पड़ रहा है। मैं कुछ यहाँ पे ना देख रही थी क्या क्या मैं दूँ भाभी को, और भाभी जी से कुछ भी लेने से मना, खास करके मम्मी बहुत डांटती है, बट फिर भी हमारे प्रिंसेस का इस घर में पहला मतलब पैर है ना, तो हम लोग उनको तो खाली लक्ष्मी वैसे ही भगवान का रूप होते हैं, आप सभी जानते ही हैं। भगवान ने हमें लक्ष्मी भले ना दिया हो, लेकिन उस लक्ष्मी को दिया है ताकि लक्ष्मी को दे सके, तो इसलिए कहीं आने जाने का लिए इसलिए मन नहीं करता है कि ये इतना लाई है और फिर इसको यहाँ से टेंशन में कहा कैसे कैसे इसको कर रहे हैं। सब हो जाएगा, टेंशन नहीं, मैं हेल्प करने के लिए, डोंट वरी। ननद भौजाई दोनों टेंशन में बैठे हैं कि इतना बड़ा बैग अब जाएगा तो कैसे। नहीं जाने का बात, भाभी का टेंशन भरे जाने का, लेकिन हमको इन लोगों को जाने देने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो रूबी के कपार पर डाल देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मुझे जाने का तो मन नहीं है। या भाभी यार मिलाइए, जाने का बिल्कुल मन नहीं है भाभी को, पर फैमिली में रहना जरूरी है। मैया बुला रही है। मैया हमको नहीं बुला रही, बोले फूफा जी, फूफा जी। मम्मी बहुत गर्मा रही है मेरे ऊपर कि कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं देना है, डांट रही है मम्मी। हम देना लेना मतलब मम्मी तो मुझे दे भी देती है, लेकिन मम्मी ले नहीं रही है, डांट रही है हमको। आपको क्या मन है, देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है हमको, ये सोचो माई का, आपको बस सोचो। तो अभी ये निकाल रहे हैं वो थैला जिसमें अपने लिखा होगा बेबी क्लॉथ, लिखा है। अच्छा, और हमारी प्यारी सी क्यूट सी भाभी यहाँ पे, शायद हाँ वही जोन झोला में होगा। हाँ हाँ वो वही रखा गया होगा, देखिए ना, ट्राई तो कीजिए। सारा भाभी सरिया है, हम नहीं सरिया है सामान, ऊपर ही भाभी सरिया है। नहीं बस ऐसे इस बना रखे हैं इधर, बाबू साहब का पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई हो गया, टिफिन भी हो रहा साथ में। हाँ वही है, वही वही यही है, लिखा ले देखनी देखनी। हाँ उनका बेबी क्लॉथ लिखा हुआ दीजिए। सब लोग आज काफी ज्यादा बिजी हैं और कोई किसी का आज सुन नहीं सकता है, इधर चल रहा है, कुछ देखा जाए क्या है जो दिया जाए, कुछ इनको भी समझ में नहीं आ रहा है और सारा कुछ फेंक के रखे हुए हैं। चलिए खैर, हमारी ये फर्ज बनती है, घर में अगर लक्ष्मी आई है तो उसको भी ले दे तू ना, थोड़ा सा दे दे वो मामी। बस पिया साढ़े सात पिया ले है यही। हाँ बस हो गया। हाँ चलो, हम जो पहन के So guys, देखिए यहाँ पे चिक्कू भी आ गया है, मामी का सारा हेल्प कर रहा है। हाँ तो इधर ना दुबू बैठ के अपना स्कूल का होमवर्क रेडी कर रहा है, क्योंकि बाबू का स्कूल भी है ना, तो वो जाने के लिए बहुत सारा होमवर्क मिला था, उसका छुट्टियाँ पूजा था ना, छुट्टी उस टाइम मिला हुआ था। क्या माँ नहीं जा, तो मामी को बोलो नहीं जा, जाएंगे मामी ना जाएंगे, मतलब मामी ना आई चलिएगा। नहीं मामी, किसी कह रहा है बाबू, नहीं हो गया बस, मामी को मना बेटा।
ना मना लो मामी को चीकू। वहां मम्मी ना अपना पोती को खिलाया जा रही है ताकि बहू पैकिंग कर ले। अब जाके इनका बैग खड़ा हो गया। अरे बहुत सारे लोग मन में ये डाउट मतलब क्वेश्चन रहता है ना कि रूबी तुम अगर अपने मायके जाती हो तो ये ट्रॉली बैग क्यों नहीं ले जाती हो। तो गाइस ये ट्रॉली बैग ना कुछ सोचो कैसे लेके जाएंगे हम। दो दो का बेबी लो होता है प्लस में इतना दूर है। प्लस में क्या है ना कि ये थोड़ा इजी ट्रॉली बैग है ना बहुत हल्का है और इसमें सारा बहुत सारा सामान आ भी जाता है। और हम लोग का जो ट्रॉली बैग है ना वो थोड़ा डिफरेंट हम लोग को छोड़ने को तो है नहीं क्योंकि भाभी है तो बारह पहले चलने छोड़ देगा क्या डिस्टेशन पे। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को मन में डाउट होता है बट ये माइंड से निकाल लीजिए। बाकी तो हो ही गया पैकिंग हो गया। चलिए आप लो चलिए मैं अपनी देवर की बारात देवर बारात में भी जाएंगे बहुत। चलिए मेरा हो गया पैकिंग खत्म। कितना निकाल दिया निकल नहीं जा नहीं रहा है अभी इतना बच ले नहीं वो सब पहनना होगा सारा अथी कर लिया है। और प्रसाद बाकी है प्रसाद भी देना है। चलिए प्रसाद निकाल देते हैं। हाँ हो गया बस पहुंच गया अब छोटा घर पर देखा जाएगा। प्रसाद निकल रहे हैं अभी लेने के लिए मतलब इनके मायके में। और केला से तुम नहीं बड़ी बोरी में खाए तो अच्छे जाएगा ना मेहरा ले सको इसलिए मैं इसे प्रसाद बोरी लेने ठुसा जाएगा बस में। ये क्या है ये प्रसाद नहीं देते ना सुबह तक ही देते। अच्छा मिला के कहीं खाते कुनवा में मम्मी लोग भी खा सके इसलिए जो भी हम देशा बनाए नहीं जो भी था इसे माँ को भेज दे रहे हैं टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि हम बना सके। तो सिंदूर सब नहीं करोगे सिंदूर को डालेंगे ना सारा चीज डालेंगे क्या डालेंगे। अच्छा यहाँ से डालेंगे इसमें आज नहीं पता का है कहाँ डाला साटना था बाहर साट देंगे कल। अच्छा बैठा मत ऐसे मम्मी वो प्यार बाद में हम भी चलेंगे आपके साथ। हाँ चलिए हम रोक लाइए इतना छोटा फोन है हम कहा तैयार करबे जगह तैयार से जते तैयार हो हम तैयार करबे चोट काफी ज्यादा है जो कि दर्द दे रहा है तो ही सोचे हल्दी को गर्म करके ना चढ़ाने से शायद आराम मिलेगा। कैसे लगा लेती समझ में आता है हंस रहे दुकान घूम बोल रहे हंसे हम जा रहे घर
घरे घरे कहाँ, घरे में है, बारी में है, चिपके चिपके लगा रहा ताकि देखे कि तो चिल्लाइए। बुआ नाचे तू जाए रात्रि का खाना निकल गया और इधर सासू माँ, और आज भाभी का खाना नहीं मिलेगा। झूठ क्यों बोलते हो रूबी? भाभी पहले ही खा के बैठे हैं भाई, भाभी के लिए आइटम आया था। अच्छा, मेरे लिए नॉन आइटम था। तो आज बना है दाल और सोयाबीन की सब्जी और भात, मस्त जैली वाला बनाया है। उधर नाती भी खा रहा है। आप भी पीछे मत आइए, आप भी आए खा लीजिए। अब भाई दर्द दे रहा तो खाना तो भूख लगबे ही करेगा, खाइबे करेगा कोई। हमको कोई पूछबे नहीं करता है। हम खाएंगे नहीं, बस सोयाबीन का सब्जी जरूर खाएंगे। आइए ना, ये लाल चटनी खाना लो तो। नहीं, सोयाबीन बहुत मेरा पसंद है, पता है ना।